हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो गाइस, आज यहां पे मैं जिस कंपनी की बात करने वाला हूं वो एक आईटी सेक्टर से है जिसका मार्केट कैप सिर्फ 8000 करोड़ है। वहीं अगर मैं बात करूं कंपनी के फाइनेंशियल रेशियोज की एंड बिजनेस मॉडल की, तो काफी अच्छे इसके कंपनी के काफी स्ट्रांग फाइनेंशियल्स है और साथ ही साथ काफी अच्छा बिजनेस मॉडल भी है। ये एक आईटी कंपनी है, आईटी कंपनी से है, आईटी सर्विसेज ये जो है प्रोवाइड करती है। सो मैं पूरा आपको ओवरऑल बिजनेस समझाऊंगा, कंपनी का क्या बिजनेस है, एंड देन आगे हम बात करेंगे कंपनी के टारगेट्स की। और साथ ही साथ जो लोग लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं उनको मैं लेवल्स डिस्कस करूंगा कि आपको कौन से लेवल्स पे बाय करने हैं, और जो भी शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेड करते हैं आपको कौन से लेवल्स पे बाय करना है, उन सब के बारे में आपको आगे पूरा डिटेल में बताऊंगा। सो अभी हम चलते हैं बिजनेस के बारे में समझेंगे और साथ ही साथ हम इसके फाइनेंशियल रेशियोज भी देखेंगे। सो गाइज, यहाँ पे जैसे मैंने मेंशन कर रखा है, ये बिजनेस जो है प्रोवाइड करती है एनालिटिक्स सर्विसेज सच एज डेटा एनालिटिक कंसल्टिंग, बिजनेस एनालिटिक्स एंड इनसाइट हो गया, एडवांस प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स हो गया, डेटा इंजीनियरिंग हो गया एंड डिजिटल सॉल्यूशंस हो गया। ये कंपनी जो है प्रोवाइड करती है सर्विस टू ब्लू चिप कंपनीज जिसमें टेक्नोलॉजी आता है, बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इंश्योरेंस आता है, आपका सीपीजी आता है जिसे हम कंज्यूमर पैकेज गुड्स कहते हैं, रिटेल, साथ ही साथ आपका इसमें इंडस्ट्रियल्स भी आता है, अदर इंडस्ट्री डोमेन्स भी आता है। वहीं अगर मैं सर्विस ऑफर्ड की बात करूं तो ये प्रोवाइड करती है एंड टू एंड डेटा एनालिटिक्स सॉल्यूशंस, जैसे बिजनेस कंसल्टिंग सर्विसेज हो गया, आपका डेटा इंजीनियरिंग हो गया, बिजनेस एनालिटिक्स हो गया, डिजिटल सॉल्यूशन हो गया, अक्रॉस मार्केटिंग एनालिटिक्स और कस्टमर्स एनालिटिक्स हो गया, सप्लाई चेन एनालिटिक्स हो गया, एचआर हो गया, फाइनेंस हो गया, रिस्क एनालिटिक्स हो गया। तो काफी सारी सर्विसेज जो है ये कंपनी प्रोवाइड करती है। साथ ही साथ काफी अच्छी जो है इसके कंपनी का जो है बिजनेस मॉडल भी यहाँ पे आपको दिखता है कि आईटी सर्विसेज में है, तो काफी आगे आने वाले टाइम पे आईटी कंपनीज जितनी भी है उनका स्कोप काफी ज्यादा है। साथ ही साथ हम यहाँ पे बात करेंगे कि कंपनी का रेवेन्यू मिक्स क्या है। सो टेक्नोलॉजी से 69% आता है, इंडस्ट्रियल से 12% आता है, सीपीजी एंड रिटेल से 10% आता है, फाइनेंशियल सर्विसेज से इसको 9% आता है। और जियोग्राफिकल स्प्लिट की बात करूं तो यूएसए से 94% आता है, इंडिया से 3% आता है और अदर्स से इसको 3% आता है। सो काफी अच्छा आप देखेंगे तो इनका रेवेन्यू मिक्स है। और जियोग्राफिकल स्प्लिट में एक चीज यहां पे मुझे थोड़ा सा कमी लगी है, जो यूएस है उनका बेसिकली 94% है विच इज वेरी हाई। अगर कुछ भी ऐसा क्रिटिकल सिचुएशन आती है यूएस में, अगर ऐसा कुछ भी हो जाता है नेगेटिव, तो यहां इस कंपनी को थोड़ा सा इफेक्ट पड़ सकता है। बट मोस्टली आप आईटी कंपनीज देखेंगे तो उनका रेवेन्यू जो है बाहर से वो ज्यादा ही आता है। अगर हम क्लाइंटल की बात करें तो इनके 60+ क्लाइंट्स हैं जिसमें 30 जो है फॉर्च्यून 500 कंपनीज हैं, और इनके जो क्लाइंटल्स है वो टेक्नोलॉजी से है, रिटेल से है, फाइनेंशियल सर्विसेज से है, इंडस्ट्रियल से एंड हेल्थ केयर से है। और कुछ पार्टनर्स जो है जैसे काफी नोन है, जो उसमें गूगल क्लाउड है, टेब्ल्यू है, एडोब है। सो ये जो है तीन इनके कुछ ऐसे पार्टनर्स है जो काफी वेल नोन है। और वहीं अगर मैं बात करूं कंपनी के फाइनेंशियल रेशियोज की, तो आप यहां पे देख सकते हैं मार्केट कैप जो है इस कंपनी का वो 8843 करोड़ के आसपास है। वही स्टॉक का पी जो है 56.4 है, आरओई जो है 3 इयर्स का वो 15.8% है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 3 इयर्स का 20.3% के आसपास है, डेट टू इक्विटी, सो कंपनी के ऊपर कोई भी डेट नहीं है, 0.02 है, सेल्स जो है 3 इयर्स का 20.2% के आसपास है, इंडस्ट्री का पी जो है 36.8 के आसपास है, और डिविडेंड देती नहीं है कंपनी तो वो जीरो है, और प्रॉफिट अगर हम प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें 3 इयर्स की तो वो 31.8% है। सो फाइनेंशियल रेशियोज की अगर हम यहाँ पे बात करेंगे तो काफी अच्छे मुझे नजर आते हैं। सिर्फ और सिर्फ स्टॉक पी है जो वो एक यहाँ पे मुझे थोड़ा सा ज्यादा लगता है, विच इज 56.4, इंडस्ट्री का पी यहाँ पे 36.8 है, तो यहाँ पे थोड़ा सा एक्सपेंसिव लगता है ये स्टॉक। बट जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ कि मार्केट जो है वो फॉरवर्ड लुकिंग होती है, सो यहाँ से अगर आप 5 साल का सोचेंगे तो ये पी जो है अर्निंग्स के साथ अगर आप देखेंगे तो काफी आपको कम नजर आएगा। और अगर हम यहाँ पे अब बात करें कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस की, तो आप देख सकते हैं जो उनका टॉप लाइन सेल्स है मार्च 2013 में वो 33 करोड़ के आसपास था, वहीं मार्च 2023 में वो 539 करोड़ के आसपास हो गया, तो काफी अच्छा एक यहाँ पे आपको जंप दिखने को मिलेगा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन आप देख सकते हैं यहाँ पे काफी अच्छा है, एवरेज अगर मैं बात करूं तो 25% का इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन निकल कर आता है। वहीं अगर नेट प्रॉफिट की बात करूं तो 8 करोड़ यहाँ पे सीधा जंप होकर 155 करोड़ के आसपास हो गया है। सो काफी अच्छा इनके फाइनेंशियल्स है, टॉप लाइन बढ़ रहा है, इवन यहाँ पे आप बॉटम लाइन देखेंगे तो वो भी काफी अच्छे से इंक्रीज हो रहा है। और वहीं अगर मैं बात करूं कंपनी के कैश की, कंपनी के पास कैश कितना है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कैश इक्विवेलेंट 541 करोड़ के आसपास जो है इनके पास कैश है। और साथ ही साथ बोरोइंग्स की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 21 करोड़ की बोरोइंग्स है, बट कैश काफी ज्यादा है विच इज 541 करोड़। और साथ ही साथ अगर हम यहाँ पे देखें कि इनका कैश कन्वर्जन साइकिल किस तरीके का, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेंटेन है काफी अच्छे से, 67 डेज का इनका कैश कन्वर्जन साइकिल है, और वर्किंग कैपिटल डेज जो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 80 के आसपास है। सो ओवरऑल फाइनेंशियल्स की अगर मैं बात करूं तो काफी अच्छे है, काफी स्ट्रांग मुझे नजर आते हैं। सिर्फ एक चीज है, यहाँ पे स्टॉक भी आपको थोड़ा सा एक्सपेंसिव लगेगा, जो कि मैंने जैसे बताया अर्निंग्स जैसे ग्रो होंगी इनकी, जो कि मुझे ऐसा लगता है आने वाले टाइम पे कुछ टाइम पे जैसे आईटी सेक्टर्स में वापस से रिकवरी एक आप देखेंगे तो अर्निंग्स भी काफी अच्छे से इनकी बढ़ेगी, और साथ ही साथ पी जो है
है वो कम हो जाएगा। सो यहाँ पे मैं अभी आपको ये बताऊंगा कि मैं कौन सी कंपनी की बात कर रहा हूँ, और साथ ही साथ एक चीज आप मिस मत कीजिएगा, मैं यहाँ पे आपको इस कंपनी को हैप्पीएस्ट माइंड से कंपेयर करूंगा कि किस तरीके से दोनों के जो है फाइनेंशियल है और क्या जो टारगेट्स है वो बन सकते हैं। सो यहाँ पे आप देखेंगे जिस कंपनी के बारे में बात कर रहा हूँ वो लेटेंट व्यू है, लेटेंट व्यू एनालिटिक्स। यहाँ पे आपको मैंने पूरा ओवरऑल बता दिया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, आपको कैश फ्लो बता दिया। इन्वेस्टर्स हम यहाँ पे अभी देख लेते हैं। सो इन्वेस्टर्स आप देखेंगे तो 50% से ऊपर है। यहाँ पे FIs की होल्डिंग भी इंक्रीज होते हुए नजर आई है, DIs ने अपनी होल्डिंग को थोड़ा सा डिक्रीज किया है। इस कंपनी को जैसे मैंने आपको बताया है कि मैं हैप्पीएस्ट माइंड से कंपेयर करूंगा, तो अगर आप यहाँ पे इस कंपनी के प्रॉफिट्स देखेंगे तो यहाँ पे कुछ 155 करोड़ के आसपास इसका बॉटम लाइन है, और साथ ही साथ टॉप लाइन की अगर मैं बात करूं तो वो 539 करोड़ के आसपास है। एंड मार्केट कैप भी हम यहाँ पे देख लेते हैं, वो 8000 करोड़ के आसपास है। अब मैं हैप्पीएस्ट माइंड का अगर यहाँ पे आपको दिखाऊं तो मार्केट कैप ऑलमोस्ट 12000 करोड़ के आसपास है, बट वहीं अगर मैं प्रॉफिट की बात करूं तो यहाँ पे आप प्रॉफिट देखेंगे, यहाँ पे 216 करोड़ का प्रॉफिट है, और उनका जो प्रॉफिट था वो 155 करोड़ का है। तो जिस तरीके से अगर वो अपने प्रॉफिट को इंक्रीज करेंगे और वो 200 करोड़ का प्रॉफिट भी आने वाले 2-3 साल में पोस्ट करते हैं, तो आपको लेटेंट व्यू जो है ये कुछ 800 के लेवल पे यहाँ पे आपको दिख सकता है। और अभी करंटली अगर हम लेटेंट व्यू का प्राइस देखेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वो कुछ 432 के आसपास चल रहा है जब ये मैं वीडियो बना रहा हूँ। सिर्फ आपको यहाँ पे एक चीज मुझे शो करनी है जो मुझे ऐसा लगता है कि लेटेंट व्यू में थोड़ा सा नेगेटिव आप कह सकते हैं, सो वो है मार्जिन्स। आप देखेंगे लेटेंट व्यू के मेरे पास फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है, यहाँ पे आप एबिटा मार्जिन देखेंगे तो यहाँ पे एबिटा मार्जिन जो है इनका 19% से जो है डिक्लाइन हुआ है, अगर हम क्वार्टर वन FY23 की बात करें और यहाँ पे क्वार्टर वन FY24 की बात करें। बट वहीं अगर मैं साथ साथ में आपको यहाँ पे हैप्पीएस्ट माइंड का दिखाऊं तो हैप्पीएस्ट माइंड का ऑलमोस्ट सेम ही है, विच इज 26.3% के आसपास। सो यहाँ पे अभी गाइज मैं बात करूंगा कि कौन से लेवल्स पे आपको बाय करना है, जो भी शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेड करते हैं या लॉन्ग टर्म के लिए ट्रेड करते हैं उनको कौन से लेवल्स पे बाय करना है और क्या टारगेट्स हो सकते हैं। सो ये आप देख सकते हैं मेरे पास वीकली टाइम फ्रेम है लेटेंट व्यू एनालिटिक्स का, यहाँ पे मैंने कुछ प्राइस एक्शन ड्रॉ कर रखा है। आप देखेंगे कि प्राइस ने यहाँ पे हाई बनाया था 450 के आसपास 2021 में, और अभी करंटली प्राइस जो चल रहा है वो 2023 में वो चल रहा है अराउंड 431 के आसपास। ये जो है प्राइस ने लो स्टॉक ने जो लो लगाया था वो लगाया था 320 के आसपास, और उसके बाद काफी अच्छी रिकवरी आपने देखी है स्टॉक में। अभी ये जो है प्राइस ने यहाँ पे एक सपोर्ट लिया काफी अच्छा। सो जो भी लॉन्ग टर्म ट्रेड करते हैं वो आप इस लेवल पे स्टॉक को बाय कर सकते हैं, विच इज 431, और जैसे ही ये थोड़ा सा प्राइस रिट्रेस होता है या फिर आपको इस लेवल पे मिलता है अराउंड 400 के आसपास, तो वहां पे आप इसको और एक्यूमुलेट कर सकते हैं। बट जो भी जो है शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेड करते हैं वो मेरे हिसाब से थोड़ा सा वेट करें। यहाँ पे एक बार आप 400 के लेवल्स अगर आपको मिलते हैं आप इसे ट्रैक कीजिए, अगर 400 के लेवल्स आपको मिलते हैं तो वहां पे आप इसे ऐड कर सकते हैं, और आपके जो टारगेट्स रहेंगे शॉर्ट टर्म ट्रेड करने वालों के और जो लॉन्ग टर्म ट्रेड करते हैं। सो लॉन्ग टर्म के टारगेट्स यहाँ पे मेरे 547 का फर्स्ट रहेगा, एंड जो दूसरा टारगेट रहेगा वो 753 के आसपास रहेगा, विच इज ऑल टाइम हाई। और शॉर्ट टर्म जो करते हैं वो अपना पहला टारगेट 465 का ले सकते हैं, एंड सेकंड जो टारगेट है वो 547 का यहाँ पे देख सकते हैं। सो हैप्पीएस्ट माइंड एंड इसमें सिर्फ एक मार्जिन्स का फर्क है, और मार्केट कैप ऑफकोर्स मार्केट कैप का भी फर्क है, बट मुझे ऐसा लगता है लेटेंट व्यू आने वाले टाइम पे धीरे धीरे स्लोली एंड ग्रेजुअली ये जो है इंप्रूव करेगी अपने प्रॉफिट्स एंड मार्जिन को, जो कि जो भी इनके प्रमोटर्स हैं उन्होंने ये गाइडेंस भी दिया है कि अपने मार्जिन एंड प्रॉफिट को जो है अच्छे से मेंटेन करेंगे अब। सो मुझे ऐसा लगता है कि यहां से भी ये प्राइस डबल हो सकता है, अगर आप 2-3 साल का अगर आपका व्यू है, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं सो आप इस करंट लेवल पे भी जो है इस स्टॉक को बाय कर सकते हैं, काफी अच्छे रिटर्न्स आपको दे सकता है, ऑलमोस्ट डबल हो सकता है यहां से, और वहां पे जाके हम रिव्यू करेंगे कि किस तरीके से जो है आपको आगे अपसाइड के और टारगेट्स देखने चाहिए। सो थैंक यू सो मच गाइज, एंड मेक श्योर आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।